हेलो दोस्तों, मैं कौशिक आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सीएसके में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस ईयर लेक्चर में लेक्चर फर्स्ट जो मैथ मैथ का लेक्चर था, जिसमें मैंने सिंप्लीफिकेशन कवर करवाया था, उसमें मैंने आपको क्या सिखाया था? उसमें सिखाया था मैंने बी वोड मास रूल, और के साथ में क्या सिखाया था? साथ में सिखाया था एलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन, जो हमारी एलजेब्रिक इक्वेशन होती है उस पर कैसे हमारा क्वेश्चन बनता है, ये मैंने पढ़ाया था। तो आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या बताएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे कि क्वेश्चन किस टाइप से बनता है, कैसे क्वेश्चन आता है। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, उससे हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपनी वीडियो पर और देखते हैं किस किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था? प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था हमने एलजेब्रिक इक्वेशन पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, इक्वेशन कौन सी थी? इक्वेशन थी ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग इक्वल्स टू, एक बार जोड़ देते थे एक बार घटा देते, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये होता था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होएगा हमारा? तो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट सीरीज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, एक सीरीज टाइप का क्वेश्चन बनते हैं। तो सीरीज टाइप का क्वेश्चन कैसे बनते हैं, आप देख लीजिएगा कि पैटर्न में किस टाइप का सीरीज का क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 2 गुणा 4 प्लस 1/4 गुणा 6 प्लस 1/6 गुणा 8 प्लस 1/8 गुणा 10 प्लस 1/10 गुणा 12 इक्वल्स टू क्या? तो ये क्वेश्चन है हमारा सीरीज का। ठीक है, सीरीज पे इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं आपके आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी जेई और आरआरबी एएलपी 2018 में जो क्वेश्चन पेपर हुआ था उस पे इस टाइप के सीरीज पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। अब इस सीरीज को कैसे सोल्व करना है, इसके मैं दो तरीके बताऊंगा, एक फॉर्मूले के द्वारा कि फॉर्मूले से कैसे सोल्व करना है, एक ट्रिक के द्वारा कि ट्रिक से हमें इसे कैसे सोल्व करना है। तो मेरे साथ बने रहिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, एक से एक धांसू सवाल करवाऊंगा मैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया है। तो देखिए, मैं फॉर्मूले से कैसे, एक फॉर्मूला होता हमारा 1/डिफरेंस, फॉर्मूला क्या होता हमारा 1/डिफरेंस 1/1 माइनस 1/लास्ट। ठीक है, एक फॉर्मूला होता ये, इस फॉर्मूले से भी सोल्व हो जाता हमारा ये क्या 1/डिफरेंस, डिफरेंस मतलब, डिफरेंस का मतलब क्या है कि इनके बीच में कितना डिफरेंस है, इन दोनों में कितना डिफरेंस है, तो वो ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 2 है, लास्ट टर्म क्या है हमारी 12 है, इसे फॉर्मूले में फिट कर दो, सवाल सॉल्यूशन हो जाएगा। कैसे, 1/डिफरेंस क्या, इन सबके बीच में डिफरेंस सेम ही है ना, इसके भी 2 सेम है, इसमें भी सेम डिफरेंस है, इसमें भी सेम डिफरेंस है, सभी टर्म में हमारा डिफरेंस क्या है, सेम है। तो हमारा डिफरेंस क्या हुआ 1/2, डिफरेंस 2 ही तो हुआ। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 2, ठीक है, माइनस लास्ट टर्म क्या है हमारी 12, लास्ट टर्म हमारी क्या है 12 ही तो है, लास्ट टर्म हमारी ये है ना 12। ठीक है, अब इसे 1/2, ठीक है, अब इसमें एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा एलसीएम हमारा, आ जाएगा 12 ले लो। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा 6 माइनस, यहां पे क्या आ जाएगा 2, ये आ जाएगा, हमने 12 एलसीएम ले लिया। अब 12 जब एलसीएम ले लिया तो 12 यहां पे जाएगा, तो 6 बार कट जाएगा, तो यहां पे 6 और यहां पे माइनस के 2, ये आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहां पे 2 नहीं आएगा हमारा, ठीक है, यहां पे आएगा 1,
क्योंकि जब एलसीएम लेंगे तो 12 से तो 12 कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, वन ही बचेगा ना, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा वन। तो ये है 1/2, तो यहाँ पे 6 में से 1 गएगा तो क्या बचेगा हमारा 5/12, 5/12। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा हमारा, इनकी गुणा कर लो तो ये क्या आ जाएगा, 5/24, ये आ जाएगा हमारा आंसर। क्या आएगा हमारा आंसर, 5/24। इस क्वेश्चन का क्या आएगा आंसर, 5/24। अगर हम दूसरे फॉर्मूले से करें तो हम अगर दूसरे उससे करें तो क्या करते हैं, हम करते हैं नंबर ऑफ टर्न, नंबर ऑफ टर्न्स, फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म गिन लेते हैं हम कि हमारी टर्म कितनी है, ठीक है। अब टर्म गिन लो के कितनी टर्म है हमारी, वो 1, 2, 3, 4, 5। तो नंबर ऑफ टर्म कितनी है हमारी, 5। फर्स्ट टर्म कितनी है, फर्स्ट टर्म है हमारी 2। लास्ट टर्म कितनी है, 12, ठीक है। लास्ट टर्म कितनी है, 12, ठीक है। तो 5/24 आ गया ना दोनों का आंसर, ठीक है। ये हमारा ट्रिक वाला फॉर्मूला है और ये हमारा फॉर्मूला होता ही है। तो दोनों टाइप से कर लिया हमने, एक बार और समझ लो, ठीक है। इस फॉर्मूले में क्या, वन अपॉन डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस देखना है, इन सब में डिफरेंस सेम होना चाहिए। इसमें भी 2 का है, इसमें भी 2 का है, इसमें भी 2 का है, यानी कि सब में जितनी भी टर्म हमारी दी हुई है सब में डिफरेंस कितना है, 2 का है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट टर्म ले लेते हैं और लास्ट टर्म ले लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया। और इसमें क्या करते हैं, हम नंबर ऑफ टर्म, जितनी भी हमारी नंबर ऑफ टर्म दी हुई है उनको गिन लेते हैं, उनको यहाँ पे नोट डाउन कर लो। जैसे इसमें हमारी नंबर ऑफ टर्म कितनी दी है, 5, 5 नोट कर लिया। उसके बाद फर्स्ट टर्म क्या है हमारी, 2, और लास्ट टर्म क्या है हमारा, 12। तो 5/2 × 12, तो 5 ऊपर और 2 और 12 की जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो 24 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, तो नोट कर लीजिएगा इसका या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके साथ हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं अपने। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या होता है हमारा, नेक्स्ट सवाल जो होगा हमारा इसी फॉर्मूले बेस पे होगा, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2, 1/2 + 1/6 + 1/12 + 1/20 + 1/30 + 1/42 + 1/56, ठीक है, इक्वल्स टू के। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा ये, ठीक है। क्या होगा अब इसमें, आपको लग रहा होगा कि ये सिंपल सी दी हुई है, ठीक है। इसमें पहली वाली सिचुएशन तो बनी रही नहीं रही, इसमें जो हमारा अंतर निकालते थे, वन अपॉन डिफरेंस रखते थे फॉर्मूले में, वो डिफरेंस तो सो ही नहीं हो रहा। तो हम इसे क्या करेंगे, इससे हमारा क्या बन जाएगा, 1/2 में टूट जाएगा ना ये क्या टूटेगा हमारा, 2/3 में टूट जाएगा, ये क्या टूटेगा हमारा, 3/4 में टूट जाएगा, ये हमारा क्या टूटेगा, 4/5 में टूट जाएगा, ये हमारा 5/6 में टूट जाएगा, ये टूटेगा हमारा 6/7 में, ये टूटेगा 7/8 में। तो सेम वही वाली कंडीशन बन गई, नहीं बन गई, यानी कि 1/2 इसकी जगह क्या हो गया, 1/2। अब इसमें देख लो डिफरेंस, इन सब में डिफरेंस सेम है, सेम यानी कि एक एक का डिफरेंस आ रहा सब में, ठीक है। 2 में से 3 में से 2 घटा दोगे 1, 4 में से 3 घटाओगे 1, यानी कि डिफरेंस तीनों में एक एक का है, तो सेम है। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम फॉर्मूले से करें, बाय फॉर्मूले से करें, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 1/डिफरेंस, यही तो होता है 1/डिफरेंस, 1/ फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, ठीक है। उसके बाद -1/लास्ट टर्म,
यही तो होता है, ठीक है। तो वन अपॉन डिफरेंस, डिफरेंस कितना हुआ हमारा, वन अपॉन डिफरेंस कितना है, एक का डिफरेंस है तो एक ही लिख देंगे। उसके बाद वन अपॉन फर्स्ट टर्म क्या है हमारी, फर्स्ट टर्म है वन माइनस, वन अपॉन लास्ट टर्म क्या हमारी, लास्ट टर्म है एट, ये लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद वन का तो वन ही है, ऐसी रह जाएगा ये, तो ये क्या हो जाएगा वन माइनस वन अपॉन एट, यही तो बचा हमारा। अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम कैसे लेते हैं, एट, ठीक है। अब एट की इसमें जब एट को इसमें करेंगे तो एटी का ना एट, ठीक है, और माइनस के वन, ये हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारा क्या, आठ में से एक घटेगा सात बटे आठ, ये आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अब एक बार उससे भी देख लो, उस वाली कंडीशन से, वो फॉर्मूला क्या था, इसमें क्या था, नंबर ऑफ टर्म गिननी थी, नंबर ऑफ टर्म, इसमें क्या था नंबर ऑफ टर्म, और यहां पे थी क्या, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, ठीक है। अब नंबर ऑफ टर्म गिन लो, के नंबर ऑफ टर्म कितनी है, एक दो तीन चार पांच छह सात, तो नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी हमारी, सात। फर्स्ट टर्म कितनी है हमारी, फर्स्ट टर्म में वन, इंटू लास्ट टर्म कितनी है हमारी, लास्ट टर्म में आठ, तो ये हो गया सात बाई आठ। इसे यूज करने से, इस वाली ट्रिक को यूज करने से हमारा टाइम कंज्यूम कम हो रहा है, क्योंकि हमें ज्यादातर ये ट्रिक यूज करनी है जिससे हमारा टाइम क्वेश्चनों में बचे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये ट्रिक यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें जो है जल्दी से जल्दी नंबर गेन करने हैं, टाइम भी बचाना है, तो हमें ये नंबर ऑफ टर्म और फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म वाली जो है यूज करनी पड़ेगी। तो ठीक है, ज्यादातर सवाल हम इसी पे करेंगे, इसी पैटर्न पे करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम, नेक्स्ट सवाल क्या है, तो देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल अच्छा पैटर्न पे चेंज कर देते हैं, इस टाइप के दो सवाल हो गए, बाकी मैं पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, जो भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़ा है तो वो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाए। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी विद सीएसके, ठीक है। आप टेलीग्राम चैनल पे जाओगे तो वहां पे लिखोगे स्टडी विद सीएसके, विदाउट स्पेस के लिखना है स्टडी विद सीएसके, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओगे, वहां पे मैं जो भी एक्टिविटी होती है हमारी, ठीक है, सुबह से शाम तक की, उस पर मैं सभी पोस्ट कर देता हूँ कि आज क्या क्या नोट्स डालने हैं, क्या क्या लेक्चर होंगे, कौन कौन सी वीडियो अवेलेबल, किस किस टाइम होगी। तो ठीक है, आप सभी हमारे स्टडी विद सीएस के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहां पे आपको हर जो भी वो होते हैं वीडियो लेक्चर, उनकी मैं पीडीएफ डालता हूँ वहां पे, तो आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। तो ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम पैटर्न को चेंज करते हैं, एक क्वेश्चन आता है हमारा ये, वन गुणा टू गुणा थ्री प्लस वन बटे टू गुणा थ्री गुणा फोर प्लस वन बटे थ्री गुणा फोर गुणा फाइव प्लस वन बटे फोर गुणा फाइव तो देखिए सवाल आपके सामने है इस टाइप का सवाल, उसमें क्या था, उसमें हमारी दो टर्म दी हुई थी, दो ही वो दिए गए थे, ठीक है। अब इसमें क्या हमारी तीन टर्म दी हुई है, मल्टीप्लाई में वन गुणा टू गुणा थ्री, यानी कि दो दो, उसमें क्या था एक ही टर्म रिपीट हो रही थी हमारी अगली वाली में, इसमें दो दो टर्म रिपीट हो रही हैं अगली टर्म में, इसमें क्या हो रहा हमारी दो टर्म रिपीट हो रही है, तो इसे कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला नोट कर लो, इसके लिए एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला नोट कर लो, क्या है होता फॉर्मूला, एन एन,
ठीक है, नीचे क्या लिखोगे आप, एन प्लस वन, एन प्लस टू, ठीक है, ऊपर आ जाओगे एन प्लस थ्री और बाई फोर। सिंपल फॉर्मूला है ये, फॉर्मूला लिखना कैसे याद होगा आपको, पहले लिखोगे आप n, उसके बाद n प्लस वन, एन प्लस टू, ऊपर जाओगे n प्लस थ्री वाई फोर। इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, तो देखे कैसे सॉल्व करेंगे। n, n का मान क्या है हमारा, अब यहाँ पे आप n का मान क्या है, n जो मान होता है वो रिपीटेड मान होता है, तो n का मान हमारा ये वाला मान, क्योंकि यहां से तो रिपीट हो रहा है, तो हमारा n का मान ये वाला मान दिया जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा सिक्स, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, सिक्स प्लस थ्री, ठीक है, एन प्लस थ्री था ना ये, सिक्स प्लस थ्री इंटू फोर, यहां पे एन प्लस वन, तो यानी कि सिक्स प्लस वन और सिक्स प्लस टू, ठीक है, उसके बाद सिक्स इंटू सिक्स प्लस थ्री यानी के नाइन, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में कर दू नाइन, उसके बाद फोर इंटू सेवन हो गया ये, और ये क्या हो गया, सिक्स इंटू टू एट हो गया, ठीक है। अब देखो इसे काटते हैं हम दो से, दो दिया छ, ठीक है, ये क्या हो गया, नौ की तीन में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ गया, ट्वेंटी सेवन, ठीक है, और इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आठ दूनी सोलह और सोलह सत्ते कितना होता, आठ दूनी सोलह, आठ सत्ते छप्पन, और छप्पन दूनी कितना होता है, छप्पन दूनी कितना होता है, तो छप्पन दूनी होता हमारा एक सौ बारह, छप्पन दूनी कितना होता हमारा 112, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ, नेक्स्ट सवाल क्या करते हैं, ठीक है, मेनली ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला इस पर बहुत अच्छा काम करेगा, ठीक है, जब कभी हमारी कंडीशन ये इस टाइप की कंडीशन आ जाए तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना, n, n प्लस थ्री और यहाँ पे n प्लस वन, n प्लस टू और फोर तो है ही, ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा क्या क्वेश्चन क्या होता, अगला क्वेश्चन है हमारा सेवन थ्री बाई फोर प्लस फाइव वन बाई फोर प्लस एट वन बाई टू इक्वल्स टू क्या, तो ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है, सेवन थ्री बाई फोर, फाइव वन बाई फोर प्लस एट वन बाई टू क्या, इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं हमारा, ये आर आर बी ए एल पी 2013 में, आर आर बी ए एल पी 2013 में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है, तो इसे कैसे सोल्व करना है, जल्दी से कैसे सोल्व करना, अगर हम वैसे सोल्व करेंगे इसे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, अगर हम इसे वैसे सोल्व करते हैं कैसे, सिंप्लीफिकेशन से सोल्व कर रहे हैं, जैसे इसमें सोल्व करेंगे हम तो सात की पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसे जोड़ेंगे तब इसे के बटे में लिखेंगे, ऐसे सोल्व करते हैं, ठीक है, तो इसे इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लो अगर मेरा ये है दो सही एक बटे तीन, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं ये लिख सकता हूँ ना, ये भी तो लिख सकता हूँ मैं, टू प्लस वन बाई थ्री, इसे टू प्लस वन बाई थ्री लिख सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा यही ऐसा करके आ जाएगा, आप देखो टू बाई वन बाई थ्री है, अगर मैं इसे की वो करूं तीन दूनी छह और एक सात बटे तीन आ रहा ना, ये मेरा तीन दूनी छह और एक सात बटे तीन, और इसे मैं दो प्लस एक करके लिखूं तो तीन दूनी छह प्लस एक सात बटे तीन ही आ रहा, तो मैं इस टाइप से लिख सकता हूं ना इसे, तो ऐसे ही हमें सवाल में करना है, सवाल में क्या करना है हमें, जल्दी से जल्दी कैलकुलेशन करनी है ना, क्योंकि वहां पे हमारे पास टाइम कम होता है, ठीक है, तो क्या करना है, जो ये है इन्हें एक तरफ लिख दो, सात पांच प्लस आठ, ठीक है, इनको एक जगह लिख दो प्लस, और इन्हें अलग लिख दो, तीन बटे चार प्लस एक बटे चार
प्लस वन बाई टू, ठीक है। अब इन्हें जोड़ लो, कितने हो गए, आठ और सात पंद्रह और पांच बीस, ये बीस प्लस, अब इन्हें जोड़ लो, इनका क्या ले लो, एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, क्या आ गया एलसीएम, फोर, एलसीएम आ गया फोर। तो यहाँ पे तीन का तीन ही प्लस यहाँ पे वन का वन ही प्लस यहाँ पे आ जाएगा टू, ठीक है, ये आ गया हमारा एलसीएम। तो यहाँ पे तो बीस चल ही रहा हमारा प्लस, अब ये कितना हो गया, तीन दो पांच और एक छह बटे चार, छह बटे चार, ये इसे काट दो, कितना, दो दूनी चार और दो तीन छह, तो ये आंसर क्या आ गया हमारा, बीस सही तीन बटे दो, आंसर क्या आ गया हमारा, बीस सही तीन बटे दो, ठीक है। क्या करना था हमें, इन्हें अलग लिख दिया हमने, और जो अंश और हर में लिखे हुए हैं उन्हें एक तरफ लिख दिया, ठीक है। उसके बाद इन्हें जोड़ लिया और इनका जो एलसीएम लेके इन्हें डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करने के बाद जो आया हमारा, ये आया बीस सही तीन बटे दो। इससे क्या होगा, हमारा टाइम बचेगा, ठीक है। और इस टाइप के सवाल अक्सर कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखो इसी टाइप से सवाल करने हैं हमें, क्योंकि हमें अपना टाइम बचाना है एग्जाम में, टाइम को कैसे बचाना है। अगर मान लिया हमारा एक सवाल में 30 सेकंड लग रहे हैं, तो हमें उसे 15 सेकंड में कैसे करना है, चाहे वो ट्रिक द्वारा करना हो या कैसे भी कुछ भी लगाना हो, मगर हमें जो है मेनली क्या है, अपना टाइम बचाना है। तो देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है, इसी पैटर्न पर आधारित है नेक्स्ट सवाल, 49 1 y3 प्लस 44 41 1 y5 प्लस 44 1 by 50 इक्वल्स टू क्या, ये क्वेश्चन दिया होगा हमारा, ठीक है। इस क्वेश्चन भी क्या करना, अब अगर हम इसकी मल्टीप्लाई डायरेक्ट ऐसा करेंगे तो बहुत लंबा सवाल पहुंच जाएगा, ठीक है। तो हमें लंबा नहीं करना, छोटा करना, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट पड़ जाएगी। 49 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे, फिर 1 जोड़ोगे, बटे में फिर 3 लिखोगे, तो काफी लंबा पहुंच जाएगा। तो हमें क्या करना है, जो ये डिजिट दी हुई है हमें इन्हें ऐसी करना, क्योंकि कोई अंतर कुछ नहीं है, आंसर वैसे भी इतना आना, और इसका हमारा टाइम भी कम लगेगा, तो इसलिए हम इस ट्रिक से करेंगे। 49 को अलग लिखो, 41 को इसमें लिख दो, ठीक है, प्लस के 44 को इसमें लिख दो, ठीक है। उसके बाद प्लस 1 by 3 इधर लिखो, 1 by 5 इधर लिखो, प्लस के 1 by 15 इधर लिखो, ठीक है। अब इन्हें जोड़ लो, कितना आएगा, 50 यानी कि 90, और 90 और 45, 90 और 45 हो गया 134 आ गया हमारा ये, ठीक है, प्लस। अब ये कितना आया हमारा, एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना ले लिया हमने, 15। अब एलसीएम 15 ले लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5, ठीक है। एलसीएम 15 लिया हमने इस सब का, तो 15 जब यहाँ पे जाएगा तो 3 से कट जाएगा 5 बार, तो 5 आएगा हमारा। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 3 हमारा, 5 बार 3 बार कट जाएगा, और उसके बाद प्लस के 1, ठीक है, ये आया 1 by 34 प्लस। इन्हें ऐड कर लो, तो 5 3 8 और 1 9, तो 9 बटे 15। अब ये किससे कट जाएगा, 3 3 9 और 3 5 15, ठीक है। उसके बाद ये क्या हुआ, 1 by 34 प्लस के 3 by 5 ये आ गया, ठीक है। तो इसे क्या लिख सकते हैं, 1 by 34 3 by 5 लिख लो, यही हमारा आंसर, ठीक है, यही हमारा आंसर है। अगर आंसर कुछ इससे आगे दिया हो तो इसका क्या करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, उसके बाद 3 जोड़ के इसके बटे में लिख देंगे, ठीक है, अगर आंसर दिया होगा, मगर आंसर हमारा यही है, तो ठीक है, ज्यादातर वो आंसर इसी टाइप से देगा, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पैटर्न पर, तो देखते हैं नेक्स्ट पैटर्न पर क्या सवाल बनता है, किस टाइप से सवाल बनता है। यहाँ पे मैं सिंप्लीफिकेशन के आपको सारे टाइप करवाऊंगा जो जो एग्जाम में आते हैं, और आरआरबी रेलवे ग्रुप डी जिस टाइप से भी एग्जाम पूछता है, क्वेश्चन पूछता है, उस टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा मैं,
क्योंकि जो मैंने ये सिलेबस तैयार किया है वो एनटीपीसी और ग्रुप डी के आधार पर ही तैयार किया है, और जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं क्वेश्चन को करवा रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने देखा है कि अक्सर इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं इसमें। तो देखिए एक क्वेश्चन बनता है नेक्स्ट वीक पे, देखते हैं क्या क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन आपने देखा होगा, ये वाले क्वेश्चन बनते हैं। इन्फिनिटी तक चला, तो इस टाइप का क्वेश्चन बनता है ठीक है। सीरीज में अक्सर देखा हो आपने आरआरबी ग्रुप डी में 2018 वाली जो अभी वैकेंसी हुई है उसमें इस टाइप का क्वेश्चन कई बार पूछा गया ठीक है। और मैं ये भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों करते हैं, कि सवाल का जो ट्रिक बताते हैं कुछ, तो उसमें कैसा यूज होता है वो ट्रिक भी बताऊंगा। तो ये क्या है, पहले मैं बेसिक से करवा देता हूँ। अच्छा बेसिक से करवा दूं ठीक है, मैं इसे क्या मान लेता हूँ, एक्स मान लेता हूँ, एक्स बराबर मान लेते हैं 12 प्लस के 12 के 12 ठीक है, ठीक है प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक चला। अब ये क्या है हमारा, एक्स बराबर मान लिया हमने ठीक है, बेसिक से कर रहे हैं, उसके बाद ट्रिक से देखेंगे आसानी से जल्दी से कैसे करना है ठीक है। अब 12 मान लिया हमने, अगर मैं इसे हटा दूं इतने को तब भी तो मेरी सीरीज वही बननी है, इनफिनिटी तक चल रही है, अनंत तक जा रही है हमारी सीरीज। अगर मैं इसे हटा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे भी हटा दूं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, फिर वही इनफिनिटी तक चल रही है हमारी। तो यानी कि हमारा एक्स तो रिपीट हो रहा ना, एक्स हमारा क्या हो रहा है रिपीट, तो इसे लिख देता हूं मैं, हमारा एक्स क्या हो रहा है, एक्स हो रहा है हमारा रिपीट ठीक है। तो इसे क्या लिख सकता हूं मैं, एक्स बराबर 12 प्लस x, ये बन गया ठीक है, क्योंकि हमारा एक्स रिपीट हो रहा है तो मैंने इसकी जगह एक्स ही लिख दिया, क्योंकि एक्स ही तो है ये सब, इतना मैंने क्या माना एक्स को, तो मैंने इसे पूरे को एक्स लिख दिया ठीक है 12 प्लस x। अब क्या करते हैं हम, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, बहुत साइज दोनों ओर वर्ग कर देते हैं हम इसका, क्या करते हैं हम दोनों ओर वर्ग। अब वर्ग करेंगे तो ये क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा हमारा 12 प्लस x, इस वर्गमूल से क्या हमारा, इस वर्गमूल से हमारा वर्ग कट जाएगा, क्या होगा इस वर्गमूल से हमारा वर्ग कट जाएगा, तो ये क्या होगा एक्स इजिकल टू 12 प्लस x ठीक है, एक्स इजिकल टू 12 प्लस x ठीक है। आगे तो लिख देते एक्स स्क्वायर तो यही है हमारा, अगर मैं इसे इधर लेकर आऊं तो ये क्या हो जाएगा माइनस का एक्स और माइनस का 12, यही तो बचेगा इक्वेश टू 0, ये बन गया ना हमारा। अब ये क्या हो गई हमारी समीकरण बन गई ठीक है। अब इसे सोल्व कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या आ जाएगा 4x प्लस के 3x माइनस के 12 इक्वेश टू 0, ये बन गया ना। यानी कि 12 के ऐसे टुकड़े करो, ऐसे गुणनखंड करो जिनका अंतर एक आवे, तो ऐसे टुकड़े क्या होंगे 4 3 12, 4 में से 3 गया 1, तो ये ऐसे टुकड़े यही होंगे 4 और 3, क्योंकि एक शेष बचाना है हमें, तो 4 और 3, तो इसमें से क्या आ जाएगा, एक आएगा x माइनस के 4 और एक आ जाएगा x प्लस के 3 ठीक है इक्वल्स टू 0, यानी कि एक्स बराबर क्या आएगा 4 और एक आ जाएगा माइनस के 3, तो एक्स की वैल्यू ये आ गई हमारी ठीक है। तो बेसिक से तो ये हो गया हमारा, एक्स का आंसर क्या आ जाएगा 4, क्योंकि प्लस वाला लेना है, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, हमें प्लस वाला लेना, तो बेसिक से तो ये हुआ हमारा ठीक है। मगर हमें बेसिक से नहीं करना, क्योंकि बेसिक से करेंगे तो हमारा तो लगभग 2 मिनट तो बेसिक ही खा जाएगा, मान ले तो छोटा सा सवाल अगर बड़ी डिजिट दे दे तो कैसे करेंगे हम, तो उसके लिए मैं अब क्या बताता हूँ, एक ट्रिक बताता हूँ, बस ये देखो कि ये आया कैसे कैसे, ये इक्वेशन बनी ना 4 और 3, इसका ही इस्तेमाल करके हमने फॉर्मूले में इस्तेमाल किया, तो क्वेश्चन था ये। अब देखते हैं ट्रिक से क्या देखते हैं, अब 12 के ऐसे टुकड़े करो
ऐसे गुणनखंड करो जिनका अंतर एक आवे। अब एक क्यों आवे, यहाँ पे एक है ये समझ लो, ये मान के चलो यहाँ पे एक है, तो इसीलिए उनका अंतर एक आना चाहिए। तो 12 के ऐसे टुकड़े करो जिनका अंतर एक आवे, 4 × 3 ये हो गया ना, इनका अंतर एक ही तो है, 4 × 3। अच्छा हमने इसे 6 × 2 क्यों नहीं दिया, 12 के तो गुणनखंड ये भी होते हैं ना, 6 × 2 6 × 2 = 12, तो हमने ये क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसमें अंतर 4 है। अगर यहाँ पे हमारा 4 होता, यहाँ पे 4 होता, यहाँ पे 4 होता, तब लेते हम इसे, मगर हमारा यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी वे कुछ नहीं, यानी कि एक छुपा हुआ होता हर समय, तो हमें क्या लेना है, हमें सिर्फ ये लेना है। तो 4 × 3 इसका अंतर क्या है, 1, तो हमें ये लेंगे। अब इस कंडीशन में अगर प्लस वाली वो है हमारी, अगर सीरीज हमारी प्लस वाली है, अगर सीरीज हमारी प्लस वाली है, तो प्लस वाली सीरीज में ऑलवेज हमारा क्या बड़ा वाला आंसर होएगा, बड़ा वाला आंसर जो इन दोनों में बड़ा है, तो बड़ा हमारा क्या है 4, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। ये नोट कर लो, अगर हमारी प्लस सीरीज है, अगर हमारी क्या है प्लस सीरीज है, तो हमेशा बड़ा वाला आंसर होगा, हमेशा क्या होगा बड़ा आंसर होगा। अगर हमारी नेगेटिव सीरीज है, माइनस सीरीज है, तो हमेशा क्या होगा छोटा वाला आंसर होगा। अगर हमारी बड़ी सीरीज होती तो प्लस आंसर होता, यानी कि बड़ा वाला आंसर होता। अगर हमारी छोटी सीरीज है, मान लिया इसकी जगह मैं क्या कर दूं, इनके चिन्ह चेंज कर दूं, यहाँ पे माइनस माइनस पूरी सीरीज में मैं क्या चेंज कर दिया, माइनस, इसमें मैंने माइनस चेंज कर दिया, तो अब मेरा क्या आ जाएगा आंसर, अब मेरा आंसर आएगा 3, क्योंकि सीरीज में मेरा मैंने क्या बताया माइनस सीरीज है, तो हमेशा छोटा वाला आंसर होगा। ठीक है, अब एक सवाल और करते हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक ट्रिक से। ठीक है, ट्रिक भी और बेसिक दोनों फंडे आपको सिखाए जा रहे हैं। तो देखिए, और थोड़ा सा बड़ा सा सवाल लेते हैं इसी टाइप पे, 63 + 2 63 + 2 63 + 2 63 + 2 ∞। ठीक है, तो ये हुआ क्वेश्चन हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 63 + 2 63 + 2 63 + 2। अब ये सवाल कैसे करना है, इसी पैटर्न पर आधारित होगा। 63 के ऐसे पार्ट करो, ऐसे गुणनखंड करो जिनका अंतर क्या आवे, 2, क्योंकि 2 लिखा हुआ हमारा यहाँ पे, 2 2 2। ठीक है, उसमें क्या था छिपा हुआ था, 1 था, तो 4 दिन, तो 63 के ऐसे टुकड़े करो जिनका अंतर क्या है, 2 आए। 63 के ऐसे टुकड़े कितने क्या होंगे, एक होता क्या 9 7 63 9 7 63 होता है ना, 9 7 63। अच्छा, कुछ 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 टीचर ऐसे होते हैं, वो बताते हैं कि क्या कि जो पहले होगी वो ये इसके वो होगी प्लस वाले की, यानी कि जो पहले होगी, अगर मैं इधर 7 इधर लिख दूं और 9 इधर लिख दूं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो इधर होगा वही आंसर होगा इसका। इसमें क्या है कि प्लस वाले में सबसे बड़ा वाला आंसर होता है, क्या होता है, जो बड़ा होगा वो प्लस सीरीज में आंसर होगा। ठीक है, अगर मैंने 7 इधर लिख दिया, 9 इधर लिख दिया, तो चेंज नहीं होने का कि आंसर ये हो जाए, हमारा क्या है हमेशा बड़ा वाला आंसर, तो ये हमारी प्लस सीरीज है, प्लस इसमें है प्लस प्लस प्लस, तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, 9, इसका क्या होगा हमारा आंसर, 9। अच्छा, अगर इसी सवाल में मैं चेंज कर दूं, इस सवाल में मैं इसके चिन्ह चेंज कर दूं, अगर मैं इस सवाल में इसके चिन्ह चेंज कर दूं, यहां पे माइनस 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 कर दूं, ठीक है, तो ये सवाल मेरा चेंज हो गया। गुणनखंड तो अब भी वही होंगे, क्योंकि 2 है, 9 × 7, ठीक है, मगर मेरा जो आंसर होगा वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि माइनस सीरीज में हमारा छोटा वाला आंसर होता है, छोटा वाला कौन सा आंसर, छोटा क्या है इसमें, 7, तो आंसर क्या होगा मेरा, 7, आंसर क्या होगा मेरा, 7।
तो इस टाइप का कोई भी सवाल आएगा आपको तो अब आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने बेसिक फंडा भी बता दिया और ट्रिक भी बता दी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन किस टाइप का आता है वो देखते हैं कि नेक्स्ट टाइप में किस टाइप का क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन बनता है ऐसा, ये मेरा एम इजिकल टू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ मेरा 17 प्लस 17 प्लस 17 प्लस 17, ठीक है, ये दिया हुआ है प्लस डॉट 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 इंफिनिटी, उसके बाद मेरा एन दिया हुआ है 17 माइनस 17 माइनस 17 माइनस 17 माइनस 17 डॉट 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 इंफिनिटी तक। ठीक है, ये सवाल दिया हुआ है तो इसमें क्या बताना है हमें, इसमें बताना है m माइनस एन का मान। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी 2016 में इस टाइप का ही क्वेश्चन आया था एक, ठीक है। तो इसमें क्या करना है m प्लस एन में, इसमें क्या करना है हमारा, ठीक है। अच्छा, ये वाली सिचुएशन दे दी है, ठीक है। अब मैं इसे बेसिक फंडे से बताऊं, अगर मैं इसे बेसिक से बताऊं तो क्या हो जाएगा मेरा, हम क्या करते थे, अगर हमारी कोई ये देख लो m प्लस एन का मान तो निकालना है, हम क्या करते इस पे इसके गुणनखंड करते थे, गुणनखंड करते थे ना, जैसे हमारा इसकी जगह 12 होता तो 12 के गुणनखंड कर देते, यानी कि हमारा 12 होता तो 12 के गुणनखंड कर देते, क्या 4 × 3, ठीक है 4 × 3। अब इस कंडीशन में क्या होता था, हमारा एक था ना यहाँ पे, तो इनमें क्या था डिफरेंस भी एक का होता था, क्या होता था हमारा डिफरेंस भी एक का होता था, यानी कि अगर ये हमारा ए है तो ये हमारा ए प्लस वन है ना, एक ज्यादा है ना, ये हमारा a है तो ये हमारा a प्लस वन है ना, एक ज्यादा है, ठीक है। तो ऐसे ही हम इसमें करेंगे, इसे मानेंगे a, इसे मानेंगे a प्लस वन, इसे मानेंगे a और इसे मानेंगे a प्लस वन, ठीक है। इसे मान लिया हमने a और इसे मान लिया a प्लस वन, जैसे तुमने देखा अभी कि 12 था तो इसमें एक ज्यादा था, 4 था और 3 था, ठीक है, यानी कि 4 था और 3 था, एक ज्यादा था, तो इसे भी हमने क्या मान लिया a और a प्लस वन, ठीक है। अब m को मान लो, ठीक है, ये आ गया जी हमारा क्या प्लस वन और ये है हमारा a, ठीक है, तो ये हमारा a प्लस वन, a प्लस वन और माइनस a, ठीक है, ये हो गया ना हमारा। तो क्या हुआ हमारा m माइनस एन इक्वल्स टू ए प्लस वन माइनस ए, ए से a कट गया तो हमारा क्या बचा वन, ठीक है, तो यानी कि m माइनस एन इक्वल्स टू क्या हो गया वन, ये आ गया। तो हमारी जब भी कोई ऐसी सीरीज देगी तो इसका मान हमेशा एक होगा, ऑलवेज एक आएगा इसका मान, तो ठीक है इसका मान हमेशा एक आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं अगली सीरीज पर,